हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एजुकेशन एरिना पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं इमेज कंप्रेशन। आज से हम लोग नया लेक्चर चालू कर रहे हैं, तो हमने इमेज सेगमेंटेशन ये लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके ऊपर वीडियो सीरीज बन चुकी है। तो ये दूसरा वाला है, ये है इमेज कंप्रेशन। तो ये चालू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमने एक पेपर सेट बनाया है। जैसे कि अभी हर एक स्टेट में MCQs टाइप के क्वेश्चंस ले लिया जा रहा है, तो हमने वो MCQs टाइप के कुछ क्वेश्चंस हमने बनाए हैं। और ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका एक लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग उसे जो भी MCQs टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको रेफ़र कर सकते हैं, ठीक। और कुछ टॉपिक्स रह गए थे, एक दो टॉपिक्स रह गए थे, तो वो टॉपिक्स के कुछ शॉर्ट आंसर जो हैं वो भी हमने इसमें इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में अटैच किया है। तो आई होप सो आप लोग चली जाइएगा वहाँ पे, और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए होंगे दो, तो उन दोनों लिंक पे आप लोग चले जाइए और वहाँ से जो भी नोट्स आपको चाहिए वो मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इमेज कंप्रेशन होता क्या है? तो सिंपली अगर मैं बोल दूँ कि कोई भी एक पर्टिकुलर कोई भी अगर आपके पास कोई फाइल है, अब वो फाइल सपोज़ अगर 10 MB का है और आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़ा फाइल है, तो हम करेंगे क्या? तो हम लोग वहाँ पे कंप्रेशन प्रोसेस लगाते हैं। कंप्रेशन करके जो 10 MB का जो फाइल है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं 2 या फिर 3 MB में, तो उसको हम लोग कहते हैं कंप्रेशन। मतलब आपका कोई डेटा है, डेटा काफ़ी बड़ा है, जैसे कि आप लोग कंप्रेशन का अगर मोस्ट एग्जाम्पल, अगर बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, तो आपका जो व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप के जो इमेजेस होते हैं वो कंप्रेस होके जाते हैं। तो अगर आपका इमेज अगर 2 MB का है, अगर 2 MB का है, और जैसे आप लोग इमेज अगर ट्रांसफ़र करवाते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप क्या करेगा, उसको कंप्रेस करेगा। ट्रांसमिशन एक मीडिया रहेगा, ट्रांसमिशन मीडिया से अब जितना छोटा आपका डेटा रहेगा, ओके, जितना छोटा आपका फाइल रहेगा उतना जल्दी वो क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपके इंफॉर्मेशन रहेंगे, इन्फॉर्मेशन को हम लोग कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के बाद हम लोग ट्रांसमिट कराएंगे जहाँ पे भी रिसीव होगा। रिसीव होने के बाद वो क्या करेगा, उस डेटा को फिर से एक्सट्रैक्ट कर सकता है, यानी जो रियल डेटा रहेगा वही रियल डेटा उसको आउटपुट में मिलेगा। तो उसको हम लोग सिंपली कहते हैं कंप्रेशन। और हम लोग अभी इमेज के फॉर्मेट में देखने वाले कि इमेज कंप्रेशन क्या होता है। जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप का एग्जाम्पल बताया, तो सेम वही है, ठीक है। द टर्म्स ऑफ स्टोरेज, द कैपेसिटी ऑफ द स्टोरेज डिवाइस कैन बी इफेक्टिवली इंक्रीज्ड विथ मेथड ऑफ कंप्रेस अ बॉडी ऑफ डेटा ऑन इट्स वे टू अ स्टोरेज डिवाइस एंड डीकंप्रेस इट व्हेन इट इज रिट्राइव्ड। तो इसने क्या बोला है, विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोरेज या फिर जो कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज डिवाइस होता है हम लोग उसको इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब सपोज अगर आपका अगर 1 GB का अगर मेमोरी है, तो आप 10 फोटोज ज़्यादा ज़्यादा कितना आप लोग कितना कर सकते हैं, मतलब 1000 फोटो हो जाएंगे, 1500 फोटो हो जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। अब उसमें क्या करेंगे हम लोग, जो 10 MB का जो आपका इमेज था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया था 2 MB में। तो अब क्या कर सकते हैं आप लोग, उसके अंदर मल्टीपल इमेजेस उसके उसमें आप लोग स्टोर कर सकते हैं। मतलब आपकी कैपेसिटी जो रहेगी स्टोरेज की वो बढ़ जाएगी। तो उसको हम लोग कहते हैं सिंपली कंप्रेशन करके, मतलब स्टोरेज बढ़ा देना, या फिर जो डिवाइस है डिवाइस के स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा देना, तो उसको हम लोग कहते हैं एक सिंपल सा कंप्रेशन। और फिर से उसको डिकम्प्रेस कर देना जब भी हमको वो डेटा को फिर से लेना रहा, मतलब जो भी उसके अंदर से की फीचर्स आपको चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर से आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, डिकम्प्रेशन लगा सकते हैं। डिकम्प्रेशन लगा के आपको फिर से ओरिजिनल इमेज मिल जाएगा। और मैं उसका एक और डेफिनेशन है, कंप्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिडंडेंसी अमाउंट ऑफ डेटा। तो रिडंडेंसी क्या होता है, जो भी आपको रिक्वायर, जो भी आपके रिक्वायर्ड डेटा नहीं होते हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि ये रिक्वायर्ड डेटा नहीं है, तो उनको रिमूव कर देना, ठीक है। उनको रिमूव करके और जो भी हमको रिक्वायर लगता है, जो भी डेटा हमारे जो हमारी आंखें होती हैं, जो हमारी आंखें देख सकती हैं, तो वही डेटा वो क्या करता है कंप्रेशन में, जो रिक्वायर नहीं है उनको निकाल देता है, और जो रिक्वायर है उनको रखता है और उसको कंप्रेस कर देता है। आप लोग कंप्रेस इमेज भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और रिट्राइव अगर करते हैं तो आप लोग फिर से जो ओरिजिनल इमेज था वो ओरिजिनल इमेज आप लोग फिर से ले सकते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट द गिवन क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डिजिटल इमेज। तो जो भी डिजिटल इमेज के लिए जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर है, ठीक है, तो वो आपको ऐसे उस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाता, मतलब
तो जो भी आपको रिक्वायर्ड लगता है आप लोग को वो मिल जाता है, ठीक है। तो और उसके नीचे क्या है, अ टेक्निक यूज टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड अबाउट एन इमेज। मतलब जो भी आपको इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना है, ठीक है, तो वो एक टेक्निक होता है कि उसका जो वॉल्यूम स्पेस होता है उसको डिक्रीज कर देना, मतलब उसको कंप्रेस करने का मतलब वही होता है कि कुछ अमाउंट में जो भी इमेज है उसको कंप्रेस कर देना, ठीक। तो नेक्स्ट पेज जो है हमारा, उसमें हमने लिया है डिफरेंट कंप्रेशन मेथड्स। तो ये हम लोग वन बाय वन इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिसके थ्रू हम लोग इसके ऊपर और भी क्लियरिफाई हो जाएंगे। तो ये आपको विद इन 2 या फिर 3 डेज में इसके ऊपर भी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, ओके। तो उसमें क्या है, पहला जो होता है वो होता है रन लेंथ एनकोडिंग। तो ये एक टेक्निक होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या कंप्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद होता है आपका एरिथमेटिक कोडिंग, हफमन कोडिंग और होता है आपका ट्रांसफॉर्म कोडिंग। तो मोस्टली ये जो पहला, दूसरा और जो तीसरा है ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। और उसमें से भी अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट बोल लूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको रन लेंथ या फिर हफमन कोडिंग जो होता है यही खास करके पूछा जाता है। अरिथमेटिक ये काफ़ी रेयरली पूछा जाता है, लेकिन ये जो दोनों हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर सॉल्व करेंगे, तो जिसके थ्रू आपका वो भी डाउट जो रहेगा वो और भी सिंप्लीफाई हो जाएगी। कंप्रेशन कैसे होता है उसके मेथड्स जो यहाँ पे बताए हैं। उसके बाद है आपका कंप्रेशन रेशो, ठीक है। तो कंप्रेशन रेशो में क्या बोला गया है, कंप्रेशन रेशो इज डिफाइंड एज अ रेशो ऑफ ओरिजिनल साइज ऑफ इमेज टू द कंप्रेस साइज ऑफ इमेज। तो ये एक रेशो रहेगा जो भी आपका ओरिजिनल इमेज है, मतलब 10 MB का अगर आपका इमेज है और आपने जब कंप्रेस किया, ठीक है, तो कंप्रेस साइज उसका कितना हो गया, सपोज 2 हो गया। तो वो डेटा, वो जो आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट कितना आता है आपका, तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं विद द कंप्रेशन रेशो, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कंप्रेशन रेशो और ये होता है आपका कंप्रेशन। और इसके ऊपर फर्दर ऑन जो टॉपिक्स है वो आपको कंटिन्यूसली मिलने ही वाले हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो आई होप सो आप लोगों को ये जो इंट्रोडक्शन था कंप्रेशन का कि कंप्रेशन क्या होता है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में, ये आपको टोटली क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताया है, जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं MCQs टाइप के क्वेश्चंस बोल रहे हैं, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक करिए, वहाँ पे आपको वो एग्जांपल्स मिल जाएंगे, वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगेन मैंने कुछ और भी नोट्स उसके अंदर डाले हैं, कुछ शॉर्ट आंसर्स हैं, तो वो भी आप लोग रेफ़र करें ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो ठीक है, तो इतना ये था और हम लोग अगले वीडियो में ये जो मेथड्स होते हैं मेथड्स के ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक। तो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा कि कंप्रेशन होता क्या है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और अच्छा लगा तो प्लीज़ थम्सअप कर दें, लाइक दे दें, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।